तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोनपे का यूपीआई पिन भूल चुके हैं, अपना यूपीआई पिन आपको याद नहीं है फ़ोनपे का, तो अपना यूपीआई पिन आप किस तरीके से दोबारा नया बना सकते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। अपना फ़ोनपे एप्लीकेशन सबसे पहले आप ओपन कर लेंगे, इस तरीके से आपको भी नज़र आएगा डैशबोर्ड फ़ोनपे का। अब अपना यूपीआई पिन आपको रिसेट करना है, दोबारा नया बनाना है, क्योंकि अपना ओल्ड यूपीआई पिन आपको याद नहीं है, वो भूल चुके हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर मेरा प्रोफाइल फोटो दिख रहा होगा, यहाँ पर हो सकता है आपको प्रोफाइल का आइकन मिले, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फिर से बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन में, पहले नंबर पर ही बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपने फ़ोनपे के साथ अपने अकाउंट लिंक किया होगा यानी बैंक अकाउंट ऐड किया होगा, वो यहाँ पर सारा अकाउंट आपका दिख जाएगा, अगर मल्टीपल अकाउंट लिंक किया है आपने तो। अब जिस भी अकाउंट का आप अपना यूपीआई पिन भूल चुके हैं, आपको अपने उस अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो उसका सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखाई देगा और ठीक उसके सामने आपको रीसेट और चेंज का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपना यूपीआई पिन जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ओल्ड यूपीआई पिन डालने के लिए बोलेगा, ओल्ड यूपीआई पिन डालेंगे, यहाँ पर राइट टिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से एक बार यूपीआई पिन अपना डालकर कंफर्म कर देंगे, तो आपका जो यूपीआई पिन है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। लेकिन अपना ओल्ड यूपीआई पिन आपको याद नहीं है तो यहाँ पर उसके ठीक बगल में यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन दिख रहा है आधार नंबर लिंक विद बैंक, और नीचे ऑप्शन दिख रहा है एटीएम डेबिट कार्ड का। अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है सेम नंबर आपके बैंक अकाउंट में भी लिंक है, तो यहाँ पर आधार नंबर लिंक विद बैंक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन आपका जो नंबर है वो अलग अलग है यानी दोनों डिफरेंट नंबर है, तो उस कंडीशन में आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है डेबिट एटीएम कार्ड, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका एटीएम कार्ड है उसका डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी आपका एटीएम कार्ड नंबर है उसका लास्ट का 6 अंक आप यहाँ पर डालेंगे, कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको यहाँ पर डाल लेना है, जो कि आपके एटीएम कार्ड के ऊपर दिया गया होगा एक्सपायरी मंथ और ईयर, वो यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको बैंक की तरफ से एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा आपके रजिस्टर नंबर पे, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई भी कर लेगा, अगर नहीं करता है तो मैन्युअली आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज के थ्रू भी आपको ओटीपी मिल जाएगा। उसके बाद राइट टिक के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं आपको नया यूपीआई पिन सेट करने का जो ऑप्शन है वो मिल चुका है। तो जो भी आप यूपीआई पिन आप रखना चाहते हैं वो यूपीआई पिन आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे, उसके बाद राइट टिक के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको एक बार कंफर्म करने के लिए बोल रहा है कि जो भी आपने यूपीआई पिन अपना चेंज यानी सेट करने के लिए इंटर किया हुआ था अभी, आप फिर से दोबारा अपना यूपीआई पिन वही इंटर कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट टिक के ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है, जैसे क्लिक करते हैं तो जो भी आपका यूपीआई पिन है वो सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा यानी नया यूपीआई पिन आपका बन जाएगा।